हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। अभी हमें पता लगा कि लंदन में भारत के रक्षे चल रहे हैं। क्या वो वीडियो का टाइटल है? लंदन में भारत के रक्षे चल रहे हैं और भारत में ऑडी का रक्षा चल रहा है। इसको देख पाकिस्तानी जो लोग हैं बहुत ज्यादा हैरान हो गए हैं। पाकिस्तान के लोग, मतलब ऑडी रक्षा चल रहा है, रक्षा ये क्या हो रहा है? मेड इन इंडिया ये भी इधर चल रही है। देखते हैं जल्दी से क्या सीन है सारा। काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रक्षा लॉन्च हो गया ऑडी का इलेक्ट्रॉनिक। बापू जी गड्डी वही लेनी है जिन्हें चार चूड़ियां लगी हैं। क्या कहते हो, कहाँ पर हुआ होगा, कौन से मुल्क में? ऑस्ट्रेलिया जो होनी है। बेल्जियम में। चीन च। चीन च यानी चाइना। आप? हॉलैंड। हॉलैंड। आप? थाईलैंड। ड्रीम सर इंडिया में। इंडिया में चल गया जी। इंडिया में। इंडिया हमारे से आगे चला गया ना। मैं पिछले जब से मोदी आया हुआ ये जेन में आपने रखेगा। मोदी से पहले उनके ये हालात नहीं थे, वो नीचे जा रहे थे। दुनिया में उनका क्या दिखाया जा रहा था कि गुरबत बहुत ज्यादा है, लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। मोदी उनके लिए एक फरिश्ता बन के आया। ऑडी का अगर वो रिक्शा होगा ना तो वैसे बड़ा चिकना होगा, प्यारा सा डड्डू सा, और बड़ा मजा होगा। मतलब मुझे बड़ा शौक है शुरू से ना कि मैं ऑडी में लगता है। मेड इन इंडिया जैसे डे बाय डे प्रमोट किया जा रहा है हर मुल्क में, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर मुल्क में उनका एक मुकाम बन गया हुआ है। क्या लगता है कि 75 सालों में इतनी इमेज उन्होंने बनाई है या फिर मोदी के आने के बाद बनी? ये डेफिनेटली हाँ, मोदी ने बहुत ज्यादा इंडिया को ऊपर लेके गया है। लेकिन इंडिया के जो सिटीजन हैं उनको इतनी प्रिविलेज मिलने वाली है कि हर कोई वहाँ पे ऑडी में आराम से बैठ के थोड़ा सा किराया दे के इधर से उधर जा सकते हैं। आपको पता है इंडिया में ना लोगों को होता है नए नए तरीके आजमाना। वो ये नहीं होते हम लोगों की तरह की जी स्टैंडर्ड है तो ये ऑडी रखनी है, ये स्टैंडर्ड है तो रिक्शे में बैठेंगे, स्टैंडर्ड है तो मोटरसाइकिल पे बैठेंगे। वहाँ पर बैठा हुआ और उसने अपना डंका पूरी दुनिया में बजा लिया है। मेड इन इंडिया का जो ऑटो यूज़ किया, मेड इन इंडिया की खाली ऑटो नहीं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। वीडियो के बारे में कुछ जानकारी दे दो दोस्तों। तो इस वीडियो में पाकिस्तानियों को जब पता चला और दिखाया गया कि भारत में चार चार बंगड़ी वाली ऑडी की गाड़ियाँ ही नहीं तो रिक्शा भी चलने वाली और चल रही है, तो पाकिस्तानी सुनकर और देखकर हैरान हो गए। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को और शौक तब लगा जब उनको ये पता चला कि भारत की जो ऑटो रिक्शा है वो बजाज कंपनी और फिर दूसरे कंपनियों की ईवी रिक्शा वो यूके में लंदन में चल रही है। और उसे देखने के बाद पाकिस्तानी तो मतलब कि हैंग हो गए। पाकिस्तानियों के जो रिएक्शंस थे और पाकिस्तानियों ने उसके बाद में एक्सेप्ट किया कि मोदी जी के आने के बाद भारत ने जितनी तरक्की की है, डेवलपमेंट उतनी पिछले कई सालों तक के नहीं कर पा रहा था भारत। और जैसे कि भारत में मोदी जी आने के बाद जो मतलब फॉरेन रिलेशन बढ़े हैं वो सिर्फ मोदी जी की वजह से बढ़े हैं। और अभी G20 मीटिंग में जितना मतलब फ्री ट्रेड साइन हो रहे उसे देख देख कर पाकिस्तानियों की क्या कुछ जल रही है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगर चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका फेवरेट गाड़ियों का ब्रांड जो है इंटरनेशनल पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक कोई है, कौन सा? मेरा पाकिस्तान में है ऑडी और मैं ले भी रही हूँ और मेरी कल परसों आ जाएगी। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि अगर ऑडी ने रिक्शा दिया है, लॉन्च किया है, उसको मैन्युफैक्चर किया है और वो इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है, मतलब इंडिया में हमें ऑडी के रिक्शे नजर आए करेंगे, कैसा फील हो रहा है? ऐसे आप तो वो बात करें जो कभी हो नहीं सकती है और दूसरा लॉन्च होने वाले। अच्छा और दूसरा ये है कि ऑडी का अगर वो रिक्शा होगा ना तो वैसे बड़ा चिकना होगा, प्यारा सा डड्डू सा, और बड़ा मजा होगा। मतलब मुझे बड़ा शौक है शुरू से ना कि मैं ऑडी में बैठ, अच्छा लगेगा ऑडी में बैठना। जो ऑडी का जो रिक्शा इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है वो फ्यूल भी नहीं इलेक्ट्रॉनिक होगा। वो मेड इन इंडिया का जो ऑटो यूज़ किया, मेड इन इंडिया की खाली ऑटो नहीं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उन्होंने जो इंडिया वाले हैं ना, उन्होंने अपनी हार्जा पॉलिसी की वजह से और उनके मुल्क में बिलियंस यानी कि लोग बहुत अरबों खरबों ऐसे जिनके पास इतना पैसा है कि उनको पता ही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने IPL के ज़रिए पूरा क्रिकेट बोर्ड अपने किया उन्होंने। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हमारी टीम अफ्रीका गई थी, अफ्रीका के जो मेन प्लेयर अपना दौरा छोड़ के यानी कि पाकिस्तान वहाँ पर है, वो IPL खेल रहे थे। क्यों? पैसा हर जगह पर। दूसरा वो अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की वजह से, हॉलीवुड के बाद आपको पता है बॉलीवुड ये आता है और उसमें भी उन्होंने बहुत पैसा फेंका होता है कि हमारे जो पाकिस्तानी अदाकार है वो बेचारे तरले ले रहे होते हैं उधर जाने के लिए, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन
इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको इतनी प्रिविलेज मिलने वाली है कि हर कोई वहाँ पे ऑडी में आराम से बैठ के थोड़ा सा किराया दे के इधर से उधर जा सकते। आपको पता है इंडिया में ना लोगों को होता है नए नए तरीके आजमाना, वो ये नहीं होते हम लोगों की तरह की जी स्टैंडर्ड है तो ये ऑडी रखनी है, ये स्टैंडर्ड है तो रिक्शे में बैठने की, ये स्टैंडर्ड है तो मोटरसाइकिल फिरना, इस बंदे का ये स्टैंडर्ड है, वो बंदे की ना उसकी सवारी से उसका स्टैंडर्ड देखते हैं। इंडिया में ये चीज़ नहीं, इंडिया में आम एक्टर्स आप देखे वो रिक्शे में भी बैठ रहे हैं, वो शुगल है बड़ा वहाँ पे, वहाँ पे बहुत शुगल है, और वहाँ पे ये नहीं है कि जिसके पास ऑडियो उसकी इज्जत है, जिस जो एक्टर है ना उसकी इज्जत है जिसके पास हुनर है, वहाँ पे हुनर को इज्जत दी जाती है, गाड़ी पैसे को इज्जत नहीं दी जाती। वो कहते हैं गाड़ी पैसे तो आ जाते हैं लेकिन हुनर होना चाहिए, हुनर नहीं है तो लानत है, ये कहते हैं इंडिया को इसी कदर है, मतलब पाकिस्तान में इसी कदर नहीं, बिल्कुल हुनर की कदर नहीं, जो सही हुनर वाले हैं वो पीछे बैठे हुए जो पैसे दे देते हैं वो आगे आ जाते हैं। इंडिया की बात करें आपको बताया मे भी आपको अंदाजा हो कि डे बाय डे उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी इकोनॉमी क्राइसिस में, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी खुद को बना लिया है यूके को बीट करके। अब यूके ने क्या किया, यूके ने उनके ऑटो रिक्शे को अपने मुल्क में चलाना शुरू कर दिया, लोकल पुलिस उनकी कुछ पुलिस जो है वो रात के टाइम उनके ऑटो रिक्शे यूज़ करके मतलब निगरानी करेगी लोगों की। आपको क्या लगता है क्या वजह है जो कि यूके ने मेड इन इंडिया के ऑटो रिक्शे को प्रेफर किया मेड इन किसी और चीज़ के नहीं? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को एक ब्रांड के शक्ल में दुनिया में लाया है ना, ये चीज़ें इस वजह से होते हैं जब आप अपने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दें इम्पोर्ट कम कर दें, ठीक है। अब पाकिस्तान अगर अपने इम्पोर्ट ज़्यादा करना शुरू करें तो फिर पाकिस्तान के भी एक दिन ऐसे लेवल पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे लोग आवाम जैसे आवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है, तो लोगों की इस चीज़ की समझ नहीं है कि इम्पोर्ट क्या होता है, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट क्या होता है इम्पोर्ट क्या होता है ये भी समझ नहीं है। मुझे बताएं पाकिस्तान में ये जो नॉर्मल हमारे रिक्शे घूम रहे हैं इनको हटा के ऑडी के रिक्शे आपको जो नज़र आ रहे हैं वो कितने अरसे में नज़र आ रहे हैं? मुझे तो अभी कहीं नहीं नज़र आ रही, कोई 16 20 साल 25 साल बाद क्या बात करें, वो भी डाउट पे है, कोई कंफर्म नहीं है, डाउट पे है। पीछे ही बढ़ता जा रहा है, अभी कैसे नज़र आएंगे? इसमें कोई शक नहीं है भाई, पाकिस्तान उल्टा पीछे ही जा रहा है। देखा यार मैं एक बात बोलूं और ये शायद हमारे पाकिस्तानी समझ नहीं रहे या जो कुछ भी है, हम इंडिया से 20 से 25 साल पीछे, कम से कम ज्यादा 20 से 25 साल पीछे कई मामलों, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर 50 साल पीछे बिल्कुल होंगे, ये मानने की बिल्कुल मानने की ऑटोमोबाइल सेक्टर के अमल के करीब करीब नहीं फटकते। मैं हैरान हूं उधर के पुलिस रक्षा यूज कर रही है इंडिया के, इंडिया का रक्षा पुलिस यूज कर रही है भाई। उधर अभी आपने ओला जो नहीं है, इंडिया की इतनी सक्सेस रही है, वो अभी यूनिकॉर्न बन चुका है, और ओला इतनी तेजी से वो कंपनी आगे बढ़ रही है, उसकी आप रक्षे क्या उसकी हर चीज पूरी दुनिया में ली जाए। और तो मैं मजे की बात बताऊँ यार, वाकई में मैं हैरान होगा, ऑडी मतलब एक फीलिंग आती है कि लग्जरी कार ये बेहतरीन, उसके रक्षे इंडिया में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक में चल रहे हैं रक्षे यार, मतलब हैरानगी वाली बात है कि इंडिया ने कहा है कि तुम रक्षा भी चलाओगे इधर ऑडी का, मतलब यार फील आती है ना एक कंपनी ऑडी यार लग्जरी कार्स वगैरह ये वो, मतलब शहाना लाइफस्टाइल सारा कुछ, और फिर पता चले कि उधर ऑडी का रक्षा भी चल रहे, लोग कह रहे होंगे कि हम जो है ना ऑडी का रक्षा, क्या बात है, मजा आ जाता है यार इस तरह। आपका क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।